श्रद्धेय बाला साहेब आंबेडकर जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष वंचित बहुजन अघाड़ी, अंजलि ताई, हमारी रेखा ताई और सभी उपस्थित हमारे अतिथिगण, एक एक का नाम लेने में देर हो जाएगी, और सामने बैठे मेरे तमाम भाइयों और बहनों, ये इलेक्शन जो है, इलेक्शन का मौसम एक फिर से एक बार और आ गया। मुबारक हो आपको। अभी मैं आपके रास्तों से आए तो अफसोस करने के सिवा मुझे कुछ नहीं मिला। यहाँ पर हुकूमत कई सालों से कांग्रेस की राष्ट्रवादी की रही, उसके बावजूद मुझे ये कहते हुए आज मुझ पर फख्र हो रहा है कि मेरा मंगरुलपीर की सड़कें आपके मराठवाड़ा से भी ज्यादा बहुत अच्छी है। एक महिला होकर इतना काम कर सकती है वंचित बहुजन अघाड़ी की, और यहाँ पुरुष जो सत्ता पक्ष के हैं उन्होंने आज तक एक मेन रोड नहीं बनाया, हाईवे अभी तक नहीं बन सका। लानत ऐसी सरकार पर, लानत ऐसे लोगों पर। मुझे आने में देर इसीलिए हुई, क्या आपको तो मालूम है इतने छोटे छोटे गड्ढे हैं कि बच्चों का स्विमिंग पूल आराम से बन जाता उसमें। तो मुझे अब लगता है कि आज के हम जो है इलेक्शन के दिन तक हम प्रजा जो है राजा है यहाँ पर, तो हम राजा को अधिकार है कि नहीं सरकार बदलने का, बोलिए हाँ करके, है ना? क्यों हमने ठेका लेके रखा है कि पुराने ही लोगों को बार बार बुला के बार बार सड़कों के जो गड्ढे हैं गहरे करते जाए, ऐसा नहीं है ना? तो वंचित बहुजन आघाड़ी आज एक कोई ऐसा मामूली नाम नहीं रहा है, महाराष्ट्र से भी बाहर निकल के पूरे हिंदुस्तान में गूंज रहा है। वजह क्या है उसकी? वजह यह है कि हम सिद्धांतों पर चलने वाले हैं, हम वंचितों को लेने वाले हैं। वंचित में एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक वीजेएनटी सभी आता है। मैं एक साधारण सी मुस्लिम अल्पसंख्यक से आपको मिसाल देना चाहेंगे कि हमारे जो राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है, बीजेपी है, तो उनको मुसलमानों की कब जरूरत पड़ती है इलेक्शन के टाइम, और मुसलमानों को पद देने के लिए क्या है, उनका एक खास सेल बना है, अल्पसंख्यक सेल, जिसका कोई मतलब नहीं, जिसका कोई मकसद नहीं। जैसे हमारे घर में एक होता है ना कबाड़ खाना है, स्टोर रूम कह लीजिए, भंगार रूम रहता है ना हर घर में, या गाय भैंसों का बांधने का तबीला, वैसा ही एक अल्पसंख्यक सेल है जिसके अध्यक्ष को उनकी पार्टी की जो कार्यकारिणी रहती है उसमें निर्णय देने का, उसमें कोई काम करने का हक नहीं होता है। सिर्फ एक दिखावा होता है कि भाई हमने मुसलमानों को दिया है। हम तो बीजेपी को कहते हैं ना कि ये तुष्टिकरण कर रही है मुसलमानों का, ऐसा कर रही है। अरे साहब, आपने तो पहले ही कर लिया ना, अल्पसंख्यक के मुसलमान ही है हिंदुस्तान में, आपने जैन अल्पसंख्यक क्यों नहीं बनाया, आपने मारवाड़ी अल्पसंख्यक क्यों नहीं बनाया, आपने बौद्ध का क्यों नहीं बनाया, आपने मुस्लिम का ही क्यों बनाया? आप सेकुलर हो ना, तो फिर आपने क्यों बनाया मुस्लिम अल्पसंख्यक, दूसरे क्यों नहीं बनाया आपने, ये सोचने की भी बात है ना। और जब आप मुस्लिम अल्पसंख्यक का अध्यक्ष बनाते हो तो क्या वो आमदार की टिकट वाटअप करते दिखा है कभी, नगर परिषद की दिखा है कभी, स्टेज के प्रोग्राम में आपको नजर आया है वो? हाँ, नजर कब आते हैं? जब इलेक्शन होता है तब अध्यक्ष साहब नजर आते हैं अल्पसंख्यक को दिखाने के लिए, देखिए हमारे पास अध्यक्ष मौजूद है। और अध्यक्ष का काम एक ही रहता है, साहेब का वार दिवस हो या कोई काम हो तो उसका बोर्ड शहर में नजर आ जाता है, उसके अलावा कहीं नजर आता है। हकीकत है कि नहीं है? तो मेरे भाई और बहनों, जब हम 25 करोड़ यहाँ पे है तो हम निर्णायक है कि नहीं, हमारा हक लेने का अधिकार है कि नहीं? इससे पहले ही कांग्रेस वालों के मैं इतिहास बताऊंगी आपको। पिछली बार जो हमारा था बीजेपी का शासन था 5 साल का, उस टाइम में इसके आमदार जितने भी थे, कौन सी पार्टी में मिला हुआ था हमको, अपक्ष के जो थे वो विखे पाटिल जी जाके बीजेपी में शामिल हो गए। और आपको याद होगा जैसे ही बीजेपी पार्टी बैठी स्टेट गवर्नमेंट में, हमारे तो सारे के सारे राष्ट्रवादी के और कांग्रेस के जितने आमदार थे 70 से 80 उसमें शामिल हो गए थे। बॉम्बे में हुआ था वो प्रोग्राम प्रवेश का, याद है? आज ये क्यों है आपके सामने? क्योंकि इनकी तिकड़ी सरकार है, महाविकास अघाड़ी, मैं तो कहती हूँ महाबकवास बिगाड़ी, है कि नहीं? साहब मैं जमीनी लेवल पे नहीं बोल रहा है, मैं नगर अध्यक्ष हूँ। 1.5 साल पौने 2 साल के कोरोना काल में सेंट्रल गवर्नमेंट को तो छोड़िए, हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने क्या करी मुझे मालूम है, हमको निधि नहीं मिला है।
जो सहूलतें कोरोना में एक आम जनता को होना चाहिए था वो स्टेट गवर्नमेंट ने आज तक नहीं दी, बल्कि ये वक्त आया बुरा कि हमारे मुख्यमंत्री ऐलान करते हैं कि भाई रमजान ईद आई है, मुसलमान जकात का पैसा निकालते हैं, तो जकात का पैसा जो है वो फंड में जमा करते हैं मुख्यमंत्री की। कभी देखी है ऐसी सरकार? देखी है क्या? और वंचित बहुजन अघाड़ी में देखिए वंचितों के लिए है, तो आप देखिए साहेब के बाजू में कौन है? सब सब समाज के लोग हैं। ऐसा नहीं है कि इनके लिए जैसे दूसरे लोग बड़े बड़े नेता रहते लाइन लगाना पड़ता, बड़े लोग ही जा सकते हैं, अमीर लोग जा सकते हैं, विशेष वर्ग या उनका ही समाज जा सकता है। आपको यहाँ पे मुस्लिम तेली माली सभी मिलेंगे साहेब की पार्टी में। दूसरी बात, हम लोग अल्पसंख्यक शेर हमारे वंचित बहुजन में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कैसा है, एक शेर है, एक ही सफ में खड़े हैं महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। हम ये फर्क नहीं करते। मैं आज एक मुस्लिम महिला हूँ नगर अध्यक्ष, क्या आपको ये बताइए दूसरे पार्टी में मिलती है? वो मुसलमानों को ये पद का तो देते ही नहीं, लायक ही नहीं समझते, और वो लोगों को लेते हैं जो अपने समाज के लिए कुछ करते नहीं। रहा दलितों का, बहुजनों का, ये सारी दुनिया की नजर के सामने है कि क्या क्या उनके साथ में नाइंसाफी हो रही है, क्या क्या उनके साथ में धोखा हो रहा है, क्या क्या आज भी जो आजादी के पहले था, संविधान लागू होने के बाद भी आज भी ये है। आप घोड़ी पे चढ़ नहीं सकते, आप मूछे नहीं रख सकते, आप मंदिर का पानी नहीं पी सकते, आप कुएं में पानी नहीं पी सकते। ये सेकुलर भारत है कि क्या है? ये तमाशा है कि ये? और उसके जिम्मेदार कौन है? हम कहते हैं नेता, मैं कहती हूँ जनता। आपको बुरा लगाऊंगा क्यों? वोट जब हम देते हैं तो हम सोचते नहीं साहेब, वोट देने से पहले हम ये सोचते हैं कि नोट कौन ज्यादा देगा, ये हमारा फंडा होता है। बाबा साहब ने क्या कहा था संविधान लिखने के बाद, कि मैं एक सबसे बड़ी ताकत लेके जा रहा हूँ, जिस दिन इस देश की जनता वोट बेचने लगेगी उस दिन एक अनपढ़ आदमी उन पर हुकूमत करेगा। हुकूमत कर रहा है कि नहीं? ये बाबा साहब का कई साल पहले 50 साल 60 साल 70 बोली पहले कहा हुआ वक्तव्य है, आज सच साबित हो रहा है कि नहीं? आज आप परेशान हो रहे कि नहीं? हम दिल्ली की सरकार बाद में बदलेंगे, लेकिन जो हमारे जहाँ के मुद्दे हैं लोकल, वो तो हमारे हाथ में है ना, हम उसका भविष्य बदल सकते कि नहीं? लीजिए ना जो जो दे रहा है उन्होंने, जो कौन सी ईमानदारी के मेहनत की कमाई करे शायद, लेकिन ईमानदारी से वोट दीजिए वंचित बहुजन आघाड़ी को, सिलेंडर को, क्योंकि ये बदलाव का समय आ गया है। अगर आज हम बदलाव नहीं लाएंगे तो हमारे आने वाली जनरेशन, हमारी आने वाली नस्ल, हमारी आने वाली औलाद गुलाम पैदा होगी। और आप चाहते हैं कि अपनी वही गुलामी में जकड़ना अपनी औलाद को, तो आज आपके हाथ में है। हमेशा नींव के पत्थर देखे नहीं जाते, लेकिन बुनियाद उसी की मजबूत होती है जिसकी नींव मजबूत होती है। हम नींव हैं, हम इतिहास घड़ेंगे, हम वो मंजिल बनाएंगे जहां पर हमारा अल्पसंख्यक का, दलित का, SC ST OBC का मुख्यमंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा। आज सब जानते हैं BJP की सरकार नहीं चल रही है, RSS की सरकार चल रही है, भारत का संविधान खत्म करने की साजिश चल रही है। तो ठेका हमने क्या ये सोचकर कि बस उल्टा सीधा किसी को भी वोट दे दो? और नेता की जिम्मेदारी नहीं, ये जिम्मेदारी हम ही है, हमारी है। चुनाव से पहले हमें देखना होगा कि पिछले साल जिस प्रत्याशी को आपने दिया था उसका क्या है, उसने क्या क्या योगदान दिया है, आपके क्षेत्र में क्या क्या काम किया है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर इंगोले एक अनपढ़ आदमी है, मैं एक पढ़ी लिखी महिला हूँ, आज मैं सब पर भारी हूँ, एक ही सीट है मंगरूलपीर में, लेकिन जो 30 साल में विकास नहीं हुआ वो मेरे कार्यकाल में विकास हुआ। तो इसी तरह मैं कहूंगी कि एक पढ़ा लिखा आदमी बैठने का और एक अनपढ़ आदमी का बहुत फर्क पड़ता है साहब। आप डॉक्टर इंगोले को दीजिए, आपके गांव का, आपके क्षेत्र का व्यक्ति है, अगर कोई समस्या आती है एक फोन करके आधी रात को जाके आप मिल सकते हैं, बोल सकते हैं, बता सकते हैं, और वही व्यक्ति सुलझा सकता है जिसने वो हालात भोगे हैं। महलों में रहने वाले आपकी समस्या को नहीं समझ सकते, ये बात ध्यान में रखिए। समय की अभाव है इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं करूंगी, लेकिन एक बार फिर कहूंगी कि ये जो भीड़ जमा है यहाँ पर, सुनने के ज्यादा अगर वोट को अमल में लाए तो मैं आपकी कोटि कोटि धन्यवाद अदा करूंगी, क्योंकि आप मेरे लिए नहीं अपने लिए प्रत्यक्ष चुन रहे हैं, और आप लोगों में जरूरी है बदलाव लाना, अपने क्षेत्र का विकास करना, तो वोट पुराने को भी देना है, लेकिन अगर आपने नए व्यक्ति को दिया तो क्या ही बुराई है, इसमें एक बदलाव की लहर रहेगी। और आज जो वंचितों का स्टेज आपको मिल रहा है, कोई पार्टी में आपको नहीं बुलाते हैं,
तो इसलिए मैं आखिरी में एक बार फिर से अपने नम्र निवेदन करती हूँ कि वंचित बहुजन आघाड़ी आपकी अपनी पार्टी है, इसको जिंदा रखना है तो इसके हाथ मजबूत करना होगा। इसके हाथ मजबूत करना यानी आप अपने आप मजबूत होंगे। मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद, शुक्रिया। आता आपल्या दुचाकीला सजवा फॅन्सी स्पेअर पार्ट। नवनवीन डिझाईनचे फॅन्सी LED, फॅन्सी मीटर, हँडल वेट लाईट, इंडिकेटर, फुटरेस्ट, हँडल वेट मीटर, फॅन्सी लिव्हर, LED पट्टी, टू व्हीलर रिमोट किट उपलब्ध। नवनवीन आकर्षक डिझाईनचे फॅन्सी पार्ट मिळण्याचे एकमेव ठिकाण, एक वेळ अवश्य भेट द्या। टॉप ऑटोमोबाईल, हिंगोली गेट, नांदेड।